हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी एक्सेल फॉर्मूले को आप वीवीए में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे इससे रिलेटेड एक क्यूरी आया है और उन्होंने पूछा है कि कैसे यूज करें। तो जैसे कि मान लीजिए इसका मैक्सिमम, मिनिमम या सम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वीवीए। तो चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। हमने एक छोटा सा यूजर फॉर्म बनाया है और मुझे इसमें अपने इस डेटा का मैक्सिमम नंबर को शो करना है। तो मैंने इस पे जस्ट यूजर फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इवेंट सेलेक्ट कर लिया इनिशियलाइज। आपको ये इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है यूजर फॉर्म में कि आप करना क्या चाहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ मुझे देना है एक अवेलेबल कि ID इक्वल टू या फिर m इक्वल टू कैसे अवेलेबल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैप। जी हाँ, देखिए फंक्शन दो तरह के होते हैं, जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि वीवीए को इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप बात करें लेन फॉर्मूले की, डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। कैसे पता चला? नीचे एक्सप्रेशन आ गया इन द सेंस कि ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ मैक्स लगा रहा हूँ, मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इसके नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। सो जो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स। और फिर यहाँ पे जो रेफरेंस है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जो देते हैं एक्सेल में एक AYA डाल दे, नहीं, इसको पूरा आपको वीवीए के प्लेटफॉर्म पे देना होगा कि सीट्स, कौन सा सीट्स है, सीट वन, इसके अंदर हमारा रेंज है रेंज, और फिर इसमें हम देंगे कॉलम A/A। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू m पे स्टोर हो जाएगी, लेकिन मुझे तो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू m। एक बार मैं इस यूजर फॉर्म को रन करके बता देता हूँ। देखिए मैक्सिमम नंबर आ गया, ऐसे मिनिमम सम वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इसके मेरे नंबर पे दिया हुआ है। और इस तरह की पूरी वीडियो सिक्वेंस चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करें एक्सेल MIS ट्रेनिंग, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और मेरे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।